वहां पे थोड़ा सा ना रोड खराब है। ऐसी सूरज की आंखों में आंखें डाल करके देखो। ओ बेटे, थोड़ा सा पांव गया और नीचे। ये है सड़क ऊपर से। अब जैसे और ज्यादा तेज बारिश होएगी ना, फिर ये रोड जो है ब्लॉक हो जाएगा। ये ना धीरे 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 खिसक रहा है भाई। ऑर्गेनिक मिलते हैं यहाँ पे, कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं रहती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। सुपीरियर नींद आई। पहले रात को लैपटॉप में छोटा मोटा डेटा कॉपी किया, 12 बजे के आसपास नींद आई भाई, निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद। कल मैंने गाड़ी ड्राइव करी है 16 घंटे लगातार गाड़ी। बीच में लैंडस्लाइड थी, उस वजह से थोड़ा थोड़ा पंगा हो रहा था, बट भाई कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद जो नींद आई है ना, खतरनाक। और वही सफर ना सच में यार बहुत अच्छा था, मज़ेदार। कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग हो रखी है भाई, खतरनाक गजब की। एक कंबल से मैंने काम चल पड़ा। और बुलेरो की ये खास बात है भाई, ये देखो, ये मैंने रात को एक ही खोला हुआ था, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, गर्मी लग रही थी, बट इसको खोल के मस्त सरा वेंटिलेशन। कल तो भाई देखो मैंने बैरागढ़ पहुँचा नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से काम खराब हो गया। अभी मेरा सीन है सीधा सच पास जाने का। सच पास के लिए यहाँ से तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आई थिंक मैं सच पास, उसका किलार किश्तवाड़ बोलते रास्ते ठीक है, तो आप जा सकते हो। मौसम भी मेरे हिसाब से साफ ही, आज बाहर धूप आ रखी है भाई। टाइम 7 बज चुके हैं भाई मेरे हिसाब से, 6:55 है। तो सबसे पहले अपनी क्लोजिंग करते हैं। रोटी तो नहीं खाने वाला अभी, मेरे को भूख नहीं है भाई बिल्कुल भी। सीरियसली मैंने भाई को बोला था रोटी खा के निकलूंगा, बट नहीं भाई, परांठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है अभी। कल मैं पनीर कितनी जगह रुका, मैंने सोचा होटल ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, बट भाई होटल से ज़्यादा अच्छा मज़ा मेरे यहाँ पे आया। अब जल्दी से क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग करने के लिए भाई मेन ये है कि पहले ये कंबल वाला सीन है, इसको निपटा देता हूँ यार। भाई गाड़ी में जगह बहुत है यार। कहाँ वो 2500 रुपये मांग रहा था रूम वाला रात को, भाई वहाँ भी ऐसा सीन नहीं होता जैसा कि यहाँ पे। वो बढ़िया एकदम मस्त नींद आई, वहाँ भी भाग 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 दौड़ और ऊपर से पैसे अलग से देने पड़ते। इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी सीख रहा हूँ मतलब DIY, जैसे सोलो चल रहे हैं ना। पहले मेरे साथ मेरा छोटा भाई जाया करता था, या कोई ना कोई मेरे साथ चला ही रहता था। तो अब आज की डेट में यहाँ पर मैंने घड़ी लटका रखी है। तो आज की डेट में क्या है, मैं सोलो कर रहा हूँ और सोलो में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, जो आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अगर कोई जैसे मुझे दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ हो रही है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर हो ही रहा है, ताकि आपको भी अवेयरनेस रहे। ये मेरी जेरी कैन है भाई, जो मैं बोल रहा था ना 100 रुपये की, ये है वो। 13-14 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप जो लास्ट है, वहाँ पे एक बार फिर से रिफिल कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, गाड़ी खुल गई। भाई ने अपना होटल खोल लिया भाई। ओहो भाई, बाहर का व्यू तो बहुत ही गजब है। ओ भाई साहब, क्या गजब की माउंटेन्स हैं। ये दो ऐसे फोल्ड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये ऐसे, अरे ऐसे ये चला जाता है पीछे, ये लो। ये जो जेरी कैन वाला टंटा है ना, ये आ जाता है यहाँ पे सेटिंग पर। इसको मैंने आज बाहर ही रखना है, क्योंकि मैंने तेल डालना है ना, बाद में करते इसकी सेटिंग। ये ऐसे लग गया, ये देखो, एक बस ये वो गई HRTC की, एक इसके पीछे प्राइवेट है वो भी गई। वहाँ पे थोड़ा सा ना रोड ख़राब है, फिर ऐसे घूम करके वहाँ से जा रही है बसेस। और भाई ये देखो व्यू, माउंटेन्स, पहाड़ और पेड़। और ये है भाई का ढाबा, पप्पू शर्मा ढाबा। भाई रात को खाना खाया यहाँ पे, बिंदास एकदम मज़ा आया। और यहाँ लगाई हमने अपनी गाड़ी और फिर सो गए भाई, पता ही नहीं चला कब क्या सवेर होगी। सबसे पहले तो गाड़ी के थोड़े थोड़े ना शीशे डाउन कर देते हैं भाई, अंदर हो रखी है फॉग ही फॉग, ताबड़तोड़ फॉग। ओम नमः शिवाय। पानी मैंने आगे भरना भाई। अब सीन पता क्या है, आगे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मुझे वो मिलेंगे पानी के स्रोत, जहाँ बावड़ियाँ बोलते हैं ना, बावड़ियाँ, वो होंगी बहुत ज़्यादा। बोलते हैं बरसात है, घर से निकलो मत, ये मत करो। भाई मौसम देखो सामने है ऐसा बिल्कुल साफ। मक्की वगैरह लगा रखी और नीचे है भाई, देखो साउंड आ रहा है आपको पानी का, खतरनाक वाला। ये है नीचे नदी बहती है। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग।
आओगे भाई आप जब भी अपना सच पास वाली साइड, रुकना यहाँ पे जरूर भाई। इन बंदे स्पोर्टिव है बहुत ज्यादा। अपना क्या रहता है ना, बंदे कई जगह आनाकानी कर देते हैं, पर भाई ने खुद ही बोल दिया कि आगे मत जाओ, यहीं रुक जाओ, सबसे बेस्ट है। गाड़ी की फ्रंट से लुक देखो भाई कैसी आ रही है। भाई पता ही नहीं चला, रात को 11-12 बजे तक फोन चलाता रहा, डेटा कॉपी करता रहा, क्यों नींद जो आई ना भाई। अच्छा, आगे नेक्स्ट लेवल, पता ही नहीं चला कुछ भी। ट्रक वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, कोई गाड़ी जा रही है, कुछ नहीं पता चला। हाँ कुछ नहीं पता चला भाई, सुबह भी अब उठा से अभी थोड़ा बहुत लगा पता, मैं भाई उठो लेट हो गए। कितने घंटे लगेंगे सच पास के लिए अभी? और तीन तो रख ही लो, तीन घंटे। और किलार के लिए? किलार के लिए 5-6 घंटे, 5-6 घंटे सीधा निकलने वाली। बैरागढ़ में लास्ट है, पेट्रोल पंप भी लास्ट है ना वहाँ पे? पेट्रोल पंप पीछे है, खुशनगरी में। खुशनगरी में लास्ट है, बस ठीक ठीक है भाई, थैंक यू। इतनी ज्यादा ठंड तो थी नहीं, गाड़ी तो खट से स्टार्ट। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आज होने वाला है खतरनाक वाला रूट हमारा। बाहर से देखो व्यू भाई, अंदर से तो काम थोड़ा सा खराब हो रखा है। गाड़ी लगाता हूँ एक मिनट के लिए साइड में, बस आ रही है ना भाई पीछे से, और हमारा शीशा अंदर से ये हालत हो रखी है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। बस तो एक आगे से आगे भाई, चंबा सनवाल चंबा जो जा रहा है इसका रूट है। अब एक सरकारी आ रही है वहाँ से सीधा ही नीचे। चलो भाई बसेस तो चलती रहेंगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बसें चल रही है यहाँ पे, अगर आपने आना है तो बस में भी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, अभी तो चल रही है फिलहाल, आने वाले टाइम है ना फिर बंद हो जाएंगी ये, क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह का सिस्टम रहता है। ये भाई परवाणु तीसा, परवाणु से तीसा वाली साइड जा रही है वो, देखो साने हिमाचल। अब अपना सीधा जो टारगेट है वो है बैरागढ़। बैरागढ़ में हमने क्या करना है भाई, शीशा फिर से ख़राब हो रहा है यार। बैरागढ़ में हमने क्या करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और उससे पहले डीजल वगैरह फुल करवा लेंगे गाड़ी में, जितना भी छोटा मोटा भी ख़त्म होगा ना भाई, फिर भी मैं टॉप अप करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ऐसे नहीं भागूंगा अब कहीं भी। कल से भाई एक चीज़ नोटिस करी है कि इस साइड एक भी टूरिस्ट नहीं गया है, क्योंकि उस साइड लोग जा ही नहीं रहे। हाँ गिने चुने लोग हैं जो जाते हैं, बट उस हिसाब से अगर आप सोचो ना, उस हिसाब से है ही नहीं। अगर क्या पता आज टूरिस्ट कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं तो है ही नहीं भाई टूरिस्ट। सिग्नल कहीं भी मिस आउट नहीं होता भाई, सिग्नल हर जगह है, और वो भी कहीं जगह तो 5G चलता है यहाँ पे। घोड़ों ने भी सुबह सुबह अपना रेत लाद ली और चल पड़े हैं भाई। पत्थर देखो, पत्थर भी घोड़ों में जाते हैं भाई, यहाँ पे ऊपर लोगों के घर वगैरह बन रहे होते हैं ना, उस घोड़ों में लाद के जाते हैं भाई ऊपर, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह जा नहीं सकता। स्ट्रगल तो अभी भी है भाई इन शहरों में। हम तो चलो घूमने आते हैं तो हमें एडवेंचर फील होता है, बट इनके लिए रियल वो क्या बोलते हैं, स्ट्रगल अभी भी है। ATM देख लो भाई, ATM कितनी दूर था, 2-3 जगह तो मैंने ATM देखे, वहाँ पे कैसी था नहीं। ओए होए ठंडी हवा इतनी खतरनाक आ रही है ना भाई, अभी तो छीके लगी हुई थी तगड़े वाली, खतरनाक ठंड है अभी सुबह सुबह की, और उसके बाद तो थोड़ा सा गर्मी हो ही जाएगी। और अपनी हालत देख रहे हो क्या खतरनाक हो रखी है। तो कहीं रुकते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, और उसके बाद चाय खुद बनाते हैं, या तो फिर सच पास में बनाएंगे भाई खुद चाय। क्या फील आएगा भाई, सच पास में बनाएंगे हम खुद अपनी चाय, ये अपनी नहीं भाई, पीने वाली चाय भाई, सच वाली चाय, ये वाली चाय नहीं कहीं गलत समझ लो आप। अभी भाई करंट आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सुबह से करंट थोड़ा डाउन था, अभी करंट आएगा फिर आएगा ना मज़ा असली वाला।
स्टेशन तो आया, शेप देख के ना मेरा मन कर गया था खाने के लिए। आगे भी है फ्यूल स्टेशन की, यही है, यही है, लास्ट है ना ये, फिर मैं भी करवा लेता हूँ फुल। ये भाई लास्ट फ्यूल स्टेशन पुखरी का। यहाँ पे अगर आपके पास अगर गाड़ी की टंकी आधी भी है ना तो भी फुल करवा लें भाई, इसके आगे कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। पानी भर रहा था भाई आगे, पानी भरते आगे नेचुरल स्रोत से। ये रहा भाई एरिया, क्या जबरदस्त फील आ रही है ना भाई यहाँ से। देखो माउंटेन्स की कलर देखो, ग्रीन ब्लू और जबरदस्त लग रहा है ना। ये देखो इधर मेरा अपना ब्लैक बीस्ट जो कि थोड़ा बहुत मिट्टी में मिट्टी पलीद हो रखी है इसकी। बोल रहे हैं मनाली वाला रोड जो है भाई ओके है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो मनाली वाली साइड से जाना चाहिए या नहीं भाई? ये सीटें मैं उतार दूंगा कवर पर, ये कि चल थोड़ी सेफ्टी है तो चल ही रहा है। सीट कवर अब सीट कवर भी डलवाएंगे भाई, टेंशन ना लो, आपकी इच्छा ये भी पूरी करेंगे। हमने क्या था, एक सेब खा लिया, अब एक एक दो केले खा लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। अब रहता है क्या काम पता है आपको ना, सीधा किलाड़ बोलते हैं, बढ़िया है रोड है, वहाँ से जाओ आप, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है। कल भाई गाड़ी बहुत खतरनाक बजी थी, आपने देखी होगी ना, जैसे मैं इंस्टा 360 से शॉट ले रहा था और गाड़ी बजी धड़ जा करके। अब ये चीज़ बताओ मुझे कि ये ABS की गलती है, क्योंकि गाड़ी ना एकदम से लॉक हो गई भाई, कट 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 और गाड़ी पूरी तरह से लॉक। और उसके बाद भाई गाड़ी में अगर आगे जाने देता ऑल्टो वाला ठुक जाता, इससे अच्छा मैंने साइड ही काट दी थी भाई। और मेरे जो टायर है इनकी वजह से भाई थोड़ी सी मेरी हेल्प हुई है, अगर ये टायर 235 की बजाय दूसरा होता ना जो कंपनी फिटेड होता है भाई, गई थी गाड़ी। अभी 8:44 है, 10 बजे स्कूल लगता है। 3 किलोमीटर डेली पैदल जाएंगे इस सड़क से और डेली आएंगे 3 किलोमीटर। ये होती है लाइफ भाई, समझ रहे हो, आप क्या जी रहे हो। बस आ जाती है घर के बाहर, बैठे बस में, बैठे ट्रेन में, बैठे ऑटो में, बैठे बाइक पे, बैठे गाड़ी पे, और क्या, चल दिए स्कूल। रियल लाइफ ही होती है भाई। कई बहुतों के घर तो जैसे और है वहाँ से, यहाँ से, उस साइड से भाई पैदल चल के आएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। इसको बोलते हैं रियल स्टडी भाई, शिक्षा का असली महत्व इन बच्चों को पता है। जितना ट्रैक अगर आप करते हो ना, इन बच्चों को ले जाएं उस ट्रैक पे भाई, सक्सेस हो जाएंगे। ओहो बड़ा ट्रक है भाई, अरे तो बहुत। हाँ जी चल पड़े। हाँ जी अभी आया। हाँ बस अभी आया मैं, तो खाली करके आ गया। खाली करके भी आ गए। हाँ अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, मनाली वाली साइड से निकलूँ मैं, क्या करूँ? निकल जाओ, ठीक है रोड। आप यहाँ से निकलो किलाड़। हाँ किलाड़ से उधर हो गया और सीधा तांडी हो गया ना। मंडी से आप? हाँ भाई नीचे, नीचे का व्यू देखा भाई आपने, क्या नेक्स्ट लेवल था सीन। ओ भाई साहब, अगर कोई भी आपका गाड़ी वाला जा रहा है, ड्राइवर जा रहा है, तो उससे ना पूछो आप कोई क्या सिस्टम है आगे, रोड्स की कंडीशन क्या है, ऐसे जैसे अंधों की तरह मत चला करो। और ये देखो ये है भाई खतरनाक सीन, यहाँ पे ऊपर से पूरा मुझे लगता है नीचे बैठ गई सड़क। नहीं नहीं भाई, आई एम सो सॉरी, आई एम रॉन्ग, यहाँ मैं गलत हूँ, लिखा भी है यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, बट यहाँ पे सड़क बनाने का कार्यक्रम शुरू हो रखा है। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी अपनी गाड़ी लेकर के चलते हो ना और DIY करते हो, सोलो चलते हो, तो पूछ लिया करो कि आगे रोड की कंडीशन कैसी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं भी रोड ब्लॉक हो सकता है। क्या मस्त झरना है ना ऊपर से बहरा, मज़ा आ गया भाई। 36% बैटरी है, तो अपनी गाड़ी का यहाँ लगा देते हैं GoPro एक बार, मज़ेदार व्यू आना चाहिए भाई। शीशे वगैरह कर देते हैं बंद, अब देखना यहाँ से व्यू मस्त आ रहा है भाई, शीशा भी साफ हो जाएगा। हेलो भाई,
जो भी मैंने आपको दिखाया है ना भाई, वो देखो कहाँ से आ रहा है पानी। बोलते सुबह की धूप, जैसे 5-6-7 बजे सूरज उगता है ना, सूरज की तरफ ऐसे सूरज की आंखों में आंखें डाल करके देखो तो आंखों की रोशनी जो ना एकदम खतरनाक होती है। वो देखो नीचे भाई कितनी गहरी खाई है। ओ बेटे, थोड़ा सा पाँव गया और नीचे भाई, एक व्यू लेने के लिए कितनी मशक्कत है पता है। ये अच्छा किया भाई यहाँ पे भगवान के पोस्टर्स नहीं लगा रखे, क्योंकि क्या है ना भाई, भगवान के पोस्टर जहाँ पे लगाने वहीं थूकना है, वहीं पे हाथ मुँह धोने, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पे अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। पानी देखो भाई कहाँ से आ रहा है, ये होता है नेचुरल सोर्स। भाई अपने तो हो गए एकदम रपा रप फ्रेश, और ये देखो बोतलें, ये टूरिस्टों के काम है भाई, लोकल नहीं करते ऐसा। लोकल अपने बर्तन लेके आते हैं और लेके चले जाते हैं, दारू पीने बैठे सारा गंद डाल दिया। अभी अपना देख लो कुछ भूला तो नहीं है भाई, इनको ये चीज़ें ना सफाई मांगती है भाई। साफ़ सफाई रखोगे तो आने वाले बंदे को भी अच्छा फील होगा। चाहो आप यहाँ पर नहा लो भाई, अगर आपके पास डब्बा हो ना यहाँ पे, हम नहा लो, क्या मज़ा आएगा अभी नहाने का। देखो पानी कितना चिल्ड है यार। कपड़े वगैरह सोच रहा था चेंज करने के, पर मैं सोच चलो अब चलते, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे चेंज। जो अपना सारा सामान है उसको यहीं रख देते हैं। कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे, पर मन नहीं कर रहा यार चेंज करने का। फिर रुकेंगे ना, खाना वाना बनाएंगे फिर करेंगे चेंज कपड़े, नहीं तो अभी फ़ायदा क्या। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। एप्पल भी धो ही देता हूँ, केमिकल लगा रखे होते हैं ना नीचे वाले, उससे लिए ये। भाई फाइनली अभी थोड़ा रिफ्रेशिंग वाली फील आ रही है, मजा आ गया भाई। सिर धो करके, हाथ मुंह धो करके, ब्रश करके एकदम दांत चबाने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे स्रोत अब मिलते हैं ना आपको पानी के, तो आप यहाँ पे रुक करके जरूर अपना हाथ मुंह धो लो, और साफ सफाई का विशेष कर ध्यान रखो। मैंने उस वाले में धोया भाई, इस वाले में नहीं धोया, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी पानी आ रहा है, तो जानवर वगैरह पीते होंगे पानी। सीरियसली ये सब चीज़ें छोटी छोटी ध्यान देने वाली रहती हैं। बहुत स्लो चलाऊँ मैं आज, तो मैंने सारी हदें ही पार कर दी हैं। एक मिनट है ना, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ये देखो भाई टाइमिंग कितनी बजी है, 9:33 हैं। अब मैं सीधा डायरेक्ट भाई सच पास जाके रुकूंगा, या बैरागढ़ में खाना खा लें। नहीं भाई खुद ही बनाएंगे आज, आज कहीं नहीं कुछ खाएंगे, नो एक्सपेंस इन आउटसाइड। क्योंकि आप सबको भी तो बताना है ना भाई कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हो। खाने का तो देख लिया आपने, बहुत सी दुकानें, अब हम खुद बनाएंगे सच पास जा करके। असली मज़ा तो वहीं है ब्रो, इससे पहले मौसम ख़राब हो जाए, बादल आने लग गया। नीचे की ब्यूटी देखो आप एक बार, ना खुश हो गया ना दिल, फिर बताना मुझे। ओए होए 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 होए, पहाड़ियाँ देखो ऊंची ऊंची, क्या एक क्लास में जा रहा है। सोचो जब यहाँ बर्फ पड़ती होगी तो क्या सीन रहता होगा। देखो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, अरे 9:43 तो हो गई, कब पहुँचेंगे। और मेरी आंखों में ना थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत आ रही थी पहले, दवाई डाल रहा था ना मैं काफ़ी टाइम से, कल से ना मेरी आंखों की वो जो लाइट थी वो भी वापस सेट हो गई है। पता नहीं क्या हो गया भाई, एटमोसफियर करके हो रहा है ऐसा कि क्या। नीचे जाता हूँ ना मैं तो क्या था, गर्मी रहती है तो उस वजह से ना आंखों के आगे थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ ड्राइनेस ही। यहाँ पे आकर के आंखों की जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म होगी। ये है स्कूल भाई, यहाँ से फर्स्ट से लेकर के आई थिंक 12th तक होएगा, है काफ़ी बड़ा स्कूल है भाई। और पता है ना सरकारी स्कूल की जो फीलिंग आती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल रहती है। यहाँ पे कोई इतने प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, सरकारी है जो भी है। और जो भाई सरकारी पढ़ गया ना एक बार बच्चा, उसके तो बारे न्यारे हैं, मतलब सरकारी पढ़ा हुआ बच्चा वो भी अच्छे से भाई, वो कहीं भी मात नहीं खाता, ये आपको मैं आज बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल पढ़ा हूँ ठीक है। और बीच में मैं प्राइवेट स्कूल चला गया था ना भाई, तब जाके मात खा गया नहीं तो मैं भी मात नहीं खाता। बट जो एक्चुअल में सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ ना भाई, या तो वो ऊपर है या तो वो नीचे है। उड़दंग करने वाले बच्चे हमेशा नीचे हो जाते हैं भाई, और जो पढ़ते हैं ना जो मिडिल क्लास टाइप होते हैं ना, मीडियम रेंज के,
वो भाई हमेशा आगे नेक्स्ट लेवल बढ़ी आते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बोलते हैं जितना पढ़ाई कर सकते हो पढ़ो और आगे बढ़ो भाई। यार क्या घर है यार, यहाँ भी ये छोटा स्कूल यार, ये देखो ये फिफ्थ तक होएगा। अरे वाह घर देखो यार क्या जबरदस्त है ना भाई नज़ारे। चीज़ दिखाता हूँ, अब आप बोलोगे कि रोड कैसे ब्लॉक होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये है सड़क ऊपर से और नीचे देखो। अब जैसे और ज़्यादा तेज़ बारिश होएगी ना, फिर ये रोड जो है ब्लॉक हो जाएगा सच पास वाला। बिकॉज क्या है ना भाई, ये ना धीरे 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 खिसक रहा है, और जैसे ऊपर से पानी आता जाएगा ना तो ये नीचे से ऐसे खिसकता जाएगा, और थोड़ी देर टाइम के बाद क्या होगा, ये रोड ही बैठ जाएगा। और जब ये एक बार रोड बैठा ना, फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इस साइड कुरेदना पड़ेगा और ज़्यादा। जब ये कुरेदेंगे ना तो थोड़ा सा इनको उस साइड खिसकना पड़ेगा, और इस पहाड़ को और ज़्यादा भी नहीं कुरेद सकते क्योंकि इसी के ऊपर से वो दूसरा पहाड़ जा रहा है, सॉरी दूसरी ये जो रास्ता है ना ये यहीं से होता हुआ ऐसे 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 जा रहा है। अगर सड़क को ज़्यादा उस साइड करेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से उसका आने का भी खतरा है। तो इसके लिए अभी इन्हें ना यहाँ पे डंगा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना जैसे वो दे रखा ना उन्होंने उस साइड, ऐसे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस वजह से जो है रोड ख़राब होते हैं और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं अक्सर। ये देखो रोड ही गायब हो गई ना यहाँ से, आने वाले टाइम में अगर इस साइड थोड़ा सा भी टायर किसी की गाड़ी का गया ना तो गाड़ी सीधा नीचे हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे पत्थर रखे हैं, गाड़ी को अपनी साइड साइड में से लेकर के आएँ। जो हैवी लोड है ना वो हैवी लोड यहाँ से नहीं जा सकता फ़िलहाल के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना भाई, इसलिए बोलते हैं माउंटेन्स बरसातों में किसी को नहीं बख्शती भाई, किसी को भी नहीं। जो माउंटेन के साथ छेड़खानी करेगा ना उसका हर जाना तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। उसका भाई आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से टूटा हुआ है कहाँ से नहीं। यही कारण है कि हम रात को ट्रैवल नहीं करते बरसात में। अगर रात को ट्रैवल कर लो ना बरसात में तो इन सब चीज़ों का आपको पता नहीं चल पाता कि भाई कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं। भाई हमेशा अपनी जान और अपनी गाड़ी की जान दोनों को बचाना आपका कर्तव्य है, समझ रहे हो। इसलिए आप एक अच्छे ड्राइवर गिने जाते हो जब आप इन दोनों चीज़ों का पालन अच्छे तरीके से करते हो। मैंने इसलिए आपको दिखाया कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, अवेयरनेस। ये पेटियाँ पूछ लेता हूँ क्या रेट है भाई, एप्पल क्या रेट है पेटी है? क्या कितने होती है इस पे? 10 केजी 9 केजी। अरे अभी मैं सर्च कर ही रहा था एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे भाई लोड हो रहा है। ये रहता है सेव, हाँ भाई इसी को करो आप। ये रहता है भाई, ऐसी होती है पैकिंग, देखो प्रॉपर तरीके से ऐसे। कितने तीन लाइनें होती है ना ये, तीन लाइन तो ऐसी मिलेगी नीचे तक ऐसी है। चलो कर दो पैक। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ओके भाई। भाई मैंने देखा ये होता है थोड़ा सा बेनिफिट भाई जब आप यहाँ से लेते हो। मैंने ले ली 3 पेटियाँ, 2 ले ली लार्ज जो कि जिनकी अच्छी खासी क्वांटिटी है, और 1 ले ली मैंने मीडियम साइज़ की। 1 ये रही 2 पीछे रही। अब रात को दिक्कत होगी रखने की, पता अगर मैं यही पेटियाँ मार्केट से लूँ तो ये पेटियाँ मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। और मैंने यहाँ से पता कितने की बाय करी, चलो इनको भी हाथों हाथ मिल गया पैसा, 2000 रुपये की, और भी ए ग्रेड सेब है ये। सोच रहा हूँ कि अगर मैं मनाली ना जाऊँ, अगर यहीं से आऊँ फिर मुझे दिक्कत आएगी, लोड मेरी गाड़ी में फिर से एक्स्ट्रा हो गया, समझ रहे हो। तो जहाँ पे बेनिफिट मिले भाई, ऐसे फ्रूट्स वगैरह मिले वहाँ से तो उठा ही लो। मैंने अब भाई लिटरली 200 रुपये किलो सेब लिया नीचे, जो भी मैं सेब खाते आ रहा हूँ ना। ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा, ये तो कचरा है, यहीं पीछे रखा हुआ है। 200 रुपये किलो भाई, 200 रुपये किलो सेब। मैं उससे तंग आ करके मैंने बोला भाई अब ले ही लेते हैं, स्यापा ख़त्म करते हैं। और कचरा देखो भाई मैं साथ ही रखता हूँ, जितना भी ये कल से कचरा पड़ा हुआ है ना ये यहीं पे है, मैंने कहीं बाहर नहीं फेंका, इसको अपने साथ ही लेके जाऊँगा। जब साथ लेकर के आते हैं तो कचरा साथ लेकर के ही जाओ, समझ रहे हो। ये आपका ही बेनिफिट है भाई, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आगे आने वाले आपके भविष्य में बच्चे भी तो घूमेंगे इन जगहों पर, वो क्या देखेंगे यहाँ पर कचरा, ये तो खतरनाक ही है। ओ बल्ले बल्ले बल्ले,